श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान को तो प्रेम प्रिय होता है ना, उनको बड़े बड़े मंदिर जो हैं बहुत प्रिय हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा वो स्थान प्रिय होता है जहाँ उनकी प्यारी भक्ता या उनके विशेष प्रियजन प्रेम पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं। मंदिरों की महिमा तो बहुत है, किंतु उस जगह की भी महिमा कम नहीं होती जहाँ कोई भक्त बहुत प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में लगा रहता है। अथवा यूं कहें कि भक्त की पूजा स्थली, भक्त का पूजा स्थान, उनका पूजा घर, उनका निवास स्थान भगवान के लिए मंदिर ही हो जाता है। वो किसी मंदिर से कम नहीं होता है। भक्ति की आराधना स्थली, भक्त के द्वारा भक्ति की पूजा पद्धति, आराधना, उपासना प्रभु को इतना प्रिय है कि वो स्थली भी मंदिर बन जाती है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि महाराज मधुकर शाह जी ने भगवान बालराम जी के लिए जो अयोध्या से पहले ही आकर के मंदिर बनवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि माता तो केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलती थी और आगे फिर रोक देती थी यात्रा, फिर जब पुष्य नक्षत्र आता था फिर चलती थी। इस तरह माता को तो अयोध्या से ओरछा पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लगता था, तो महाराज पहले ही आ गए थे और मंदिर भगवान का बना के तैयार कर दिए थे, परंतु उसकी आंतरिक सजावट अभी पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए विद्वानों और संतों और पंडितों की राय से मंदिर में उस समय प्रवेश नहीं कराया गया, महारानी के महल में भगवान का प्रवेश कराया गया, निजी महल में, जिसको रनिवास बोला जाता था। और जब वहाँ पर भगवान विराजमान कर दिए गए भक्तों, तो वहीं पर महल के सामने आतिशबाजी छूटी, वाद्य ध्वनि से स्वागत किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, रानी के महल में इस प्रकार प्रवेश हुआ। और एक उच्च आसन पर ठाकुर जी को, भगवान बालराम को विराजमान करके दर्शनार्थ लोगों की पंक्ति लगी। ज्येष्ठता के क्रम में राजा, मंत्री, सरदार, प्रजाजन आकर के माल्यार्पण करते रहे, भेंट सामग्री अर्पण करते रहे। और इधर महारानी जी का स्वागत करने वाली राजमहिषियों में होड़ लगी थी। आज भी महारानी ही नहीं, विश्ववंदिता बनी हुई थी। बहुत से राजाओं की रानियां अपने अपने राजाओं को साथ में लेकर आई हुई थी महारानी गणेश कुमारी का स्वागत करने के लिए और उनके बालराम का स्वागत करने के लिए। और भक्तों, जिस समय की मैं बात सुना रहा हूँ उस दिन रामनवमी ही थी, अतः भगवान का जन्मोत्सव बधाई गान भी हो रहा था। सुहागिन नारियों के समूह नृत्य गीत पे झूमते हुए राजसदन में प्रवेश कर रहे थे और बड़े भाव से स्वर से गा रहे थे, मधुकर शाह महाराज की, रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओर छा लाई अवध नरेश, सात धार सरयू बहत नगर ओर छा धाम, फूल बाग नव चौक में आविराजे राजा राम, फूल बाग नौ चौक में विराजे राजा राम, तंगारेन प्रसिद्ध है निर्भरे भरपूर, वेगवती गंगा बहे पातक हरत जरूर, राजा अवध नरेश को सिंहासन दरबार,
समाज विराजे प्रभु लिए ढाल तरवार। मधुकर श्याम राज की रानी कुंवरी गणेश अवधपुरी से ओर छा लाई अवध नरेश। इस तरह से रानियां गा रही थी, जो दूसरे दूसरे राज्य की रानियां आई थी स्वागत के लिए, वो लोग और सुहागिन स्त्रियां जो रानियों की सहेलियां थी वो सब गा रही थी बड़े भाव से। और श्री राजा राम जी के आगमन के साथ आज ओरछा की भूमि पर समस्त तीर्थों की आभा चारों दिशाओं में छा गई थी। वेत्रवती, जिनका वेदवती भी नाम है, वो गंगा जी, बेतवा भी बोला जाता है उनको, अब बेतवा ही बोलते हैं, वो गंगा जी का कलकल करता हुआ नीर हर्ष से उछल उछल कर नृत्य करता हुआ बह रहा था। रंग बिरंगे पक्षी समूह नीले आकाश में उड़कर फिर नदी किनारे के वृक्षों पर आकर कलरव गान करते हुए प्रभु की वृंदावली का बखान कर रहे थे। सुगंधित वायु के शीतल झकोरे भक्तों को प्रेमासों में मतवाला बनाए दे रहे थे। आकाश की सुनहरी चित्र विचित्र सूर्य रश्मियाँ देवांगनाओं की तरह विचित्र नृत्य मुद्राएं दिखा रही थी। जन सैलाब दर्शन का लाभ उठाकर भक्ति प्रसाद का वरदान पाकर अपने निवास स्थलों की ओर निर्भय चले जा रहे थे। रात्रि आगमन के साथ घर द्वार मंदिर महल और गवाक्षों पर दीप मालाएं जगमगा रही थीं। आतिशबाजी की रंग बिरंगी चिंगारियां ओरछा को इंद्रपुरी से आभा प्रदान कर रही थीं। महाराजा मधुकर शाह ने राम राजा के लिए विशाल मंदिर बनवाने के लिए उदारता पूर्वक धन लगाया और अच्छे से अच्छे कारीगरों को बुलाकर रानी के आगमन के पूर्व ही पूरा कराने का पूरा प्रयास किया। और विशाल मंदिर के चार खंड हैं उस मंदिर के भक्तों। ये मंदिर रानी महल के ही निकट एक पहाड़ पर निर्मित है, इसलिए दूर से ही इसका शिखर दिखाई देता है। इस पर बनाए जाने वाला पांचवा खंड ही रह गया था और मंदिर के उत्तरी हिस्से में जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां, चारों खंडों में एक जैसी गवाक्ष हैं, इससे पर्यटक आश्चर्य में पड़ जाता है। मंदिर के दूसरे खंड में झरोखेदार सीढ़ियां हैं। मंदिर के ठीक सामने रानी महल दिखाई देता है। मंदिर के शिखर पर सवा मन सोने का कलश लगा हुआ है। ये तत्कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के गर्भगृह के सामने राजमहल की मुख्य खिड़की पड़ती है। राजा की हार्दिक इच्छा थी कि वे इस खिड़की से सदैव राम राजा के स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे, पर भाग्य को यह मंजूर नहीं था। भक्तों, राजा की यह इच्छा सदैव के लिए अधूरी रह गई। आगे आप समझेंगे क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों वह अधूरी रह गई इच्छा, आगे मैं आपको सुनाऊंगा। रानी के महल में दास दासियों की हलचल मची हुई थी भगवान के लिए, क्योंकि भगवान तो महल में रुक गए थे, मंदिर में काम कुछ रह गया था, अंदर का साज श्रृंगार का पेंटिंग का काम कुछ रह गया था, इसलिए महल में ठाकुर जी विराजमान हुए। और भगवान के लिए स्नान कक्ष, श्रृंगार कक्ष, भोग कक्ष, क्रीड़ा कक्ष, यज्ञशाला और शयन कक्ष सजाए जा रहे थे। प्रत्येक कक्ष में बहुमूल्य सामग्री एकत्रित की जा रही थी। इन तैयारियों की देख रेख स्वतः महारानी गणेश कुंवर जी कर रही थी। सहसा किसी ने पीछे से आकर उनकी साड़ी को खींचा और महाराज, वो ऐसा मौका था जब उनके पास कोई नहीं था। अब मुड़ कर देखा उन्होंने पीछे की ओर तो उनका लाला खड़ा था, बाल राम लाला खड़ा था अपनी माँ के पास।
उन्हें देखकर लाला हंस दिया। गणेश कुंवर को देखकर जब वो पीछे की तरफ देखी और महाराज हजारों हजारों चंद्र छटाओं को विलज्जित करती हुई मुख छवि घुंघराली काली काली अलकी छोटी दंतावली चिकन गाल बिंबा फल के समान अधर और नील ज्योत्सना पर पीली झिंगुली लाला को नजर न लग जाए इस डर से माता ने उन्हें गोदी में लेकर अपने कक्ष में चली गई तुरंत। पर मैया ने जैसे उन्हें गोदी से उतारा वे अनेक आभूषण खनकाते हुए भाग चले। मैया उनके पीछे दौड़ी पर वे मैया के हाथ आने वाले नहीं थे। लगता था कि वे महल के हर झरोके से झांक कर नगर की छटा निहारना चाहते हैं। रानी महल के हर कक्ष में जाती है, वहां रखी हुई हर वस्तु को उठाकर देखती है, श्रृंगार कक्ष में और महाराज किसी वस्त्र को उठाते तो किसी आभूषण को पहनकर देखते बालराम जी, और रसोई घर तो उन्हें विशेष प्रिय, बनाए गए सभी मिष्ठान चक्कर देखते हैं और जो जो भगवान के भोग के लिए बनाता है ना बालराम ने सब चख चख के देख लिया। अब तो माता झुंझला जाती, लाला बिना भगवान को भोग लगाए पूरी रसोई जूठी कर दी तूने, कितना उधम मचा रखा है, ये नहीं जानता कि मैया कितनी थकी हुई है। लाला एक जगह तो बैठना ही नहीं चाहता था। माता के वचन सुनकर प्रभु ठिठक कर खड़े हो गए तो मैया से बोले, मैया तू क्या चाहती है कि मैं एक ही जगह बैठ जाऊं? माता को संतोष हुआ कि ये तो बहुत उधम मचाया, कितना दौड़ लगा रहा है, बैठ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो माता ने कहा, हाँ लाला तू बैठ जाएगा तो मैं तनिक विश्राम भी कर लूँगी। तो बालराम जी बोले, तो ठीक मैया, ये ले मैं बैठ जाता हूँ, अब तू मन भर के विश्राम कर ले। और ये कह करके जहाँ ठाकुर जी का श्री विग्रह था बस उसी में जाके बैठ गए। वो तो वही थे ही, दिखाने के लिए अलग हो गए थे माँ को। माता कई दिनों की थकी हुई थी तो पास में लगे रखे हुए पलंग पर बैठ गए और वहीं से प्रभु के मुख कमल को देखते देखते झपकी आने लगी और फिर तो प्रगाढ़ निद्रा में चली गई। दासियों ने जब देखा कि महारानी गहरी नींद में है तो उन्हें उसी पलंग पर संभाल कर सुला दिया और चादर उड़ा दी और श्री विग्रह की सेवा अर्चा पुजारी करते रहे। महारानी उठी तब सुबह हो चुकी थी। ओरछा में जैसे वे पूर्व में नित्य की भांति उठा करती थी वैसे ही अपनी दिनचर्या में लग गई। उन्हें अपने लाला का ध्यान विशेष उस समय नहीं था। तभी दासी ने आकर सूचना दी, महाराज पुरोहित जो राज पुरोहित हैं और ब्राह्मणों को लिए हुए उनके महल में प्रवेश कर रहे हैं। तब रानी को याद आया कि आज अयोध्या से लाए गए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नव निर्मित मंदिर में की जानी। वे भूल गई थीं कि कल ही लाला ने उन्हें एक ही स्थान पर बैठने का वचन दिया है। और महाराज रानी साहिबा ने शीघ्र ही महल के प्रांगण में आकर के राज पुरोहित सहित राजा और ब्राह्मणों का स्वागत किया। महारानी को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, यद्य भगवान के मंदिर के चार खंड बनकर तैयार हैं तथा सजावट का कुछ कार्य शेष है, परंतु भगवान की मूर्ति को अधिक समय तक बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर में रखना भी उचित नहीं है, इसलिए राज पुरोहित जी द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त का श्री गणेश आज से ही है। महाराजा को तो मूर्ति दिखलाई पड़ रही ना, इसलिए मूर्ति बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मूर्ति का अन्नवास आज से ही प्रारंभ हो जाएगा, अतः हम लोग मूर्ति को नए मंदिर में ले चलने के लिए आए। महारानी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं महल की अन्य रानियों कुलवधू और दासियों को लेकर अभी आती हूँ, तब तक आप पूजन की
औपचारिकताएं प्रारंभ कीजिए। राजपुरोहित ने पंडितों को संकेत दिया तो कुछ पंडित पूजन सामग्री जमाने में लग गए और कुछ पंडित लोग शांति पाठ करने लगे। सेवकों ने राजा रानी राजपुरोहित तथा अन्य आगंतुकों के लिए आसन ला करके रखे, जिन पर सभी आकर बैठ गए। थोड़ी देर में महल का प्रांगण महिला पुरुष और सेवकों से भर गया। राजपुरोहित राजा रानी और कुछ पंडित पूजन सामग्री लेकर उस कक्ष में गए जहाँ प्रभु विराजमान थे। भक्तों, प्रभु का जो स्वरूप था ना श्री विग्रह, वो एक सुंदर रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। एक सुंदर पालकी लाई गई जिसमें प्रभु के विग्रह को नवीन मंदिर में ले जाना था। रानी महल से मंदिर तक का मार्ग सैनिकों ने अपने संरक्षण में ले लिया था और मंत्री और सरदार मैं सेना नायक के महल के बाहर वाले मैदान में स्वागतार्थ कतारबद्ध खड़े थे। इनके पीछे नगर के गणमान्य व्यक्ति फूलमालाएं लिए प्रतीक्षारत थे। मार्ग में दोनों ओर सैनिकों के पीछे नगरवासी और ग्रामीण अंचल के लोग भी खड़े होकर जय जयकार कर रहे थे। पूजा संपन्न हो जाने पर राजपुरोहित ने ब्राह्मणों से कहा कि अब महाराज व रानी साहिबा मूर्ति को उठाकर पालकी में रखेंगे और फिर शंखर ध्वनि के साथ ये पालकी नवीन मंदिर की ओर ले जाई जाएगी। आप लोग स्वस्ति वाचन करें, ब्राह्मणों से पुरोहित जी ने कहा। और राजा और रानी ने महाराज मूर्ति को प्रणाम करके उठाने का प्रयास किया। अब आप देखिए, दोनों भक्त लोग हैं, रानी गणेश कुंवर और राजा मधुकर शाह, दोनों ही भगवान के भक्त हैं। तो क्या लीला किया उस समय बालराम ने कि उठाने का प्रयास किया दोनों ने मिलकर, जबकि गणेश कुंवर माता गोद में ही रखती थी, किंतु अब दोनों से मिलने पर, उठाने पर, ताकत लगाने पर भी उठे नहीं, नहीं उठे प्रभु। अब ब्राह्मणों ने भी मूर्ति को उठाने में उनका साथ दिया पर शिव विग्रह उठा नहीं। उन लोगों ने सोचा शायद मूर्ति का वस्त्र कहीं अटक रहा है अथवा कोई वस्तु मूर्ति उठाने में बाधक हो, उसे हटा लिया जाए। महाराज, वस्त्र हटाया गया, मूर्ति के चारों ओर हाथ फिराकर देखा गया पर कहीं कोई रुकावट नहीं थी। इसके बाद 10-12 बलवान हाथों ने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया परंतु वह श्री विग्रह टस से मस नहीं हुआ। उठाने वालों के माथे पर पसीना आ गया, सब आश्चर्य के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजपुरोहित ने समाधान निकाला, महाराज ऐसा मालूम होता है कि किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा मूर्ति को अचल करने का दुस्साहस किया है। इस प्रकार के जादू टोने का अनिष्ट तो बलि देकर ही निवारण किया जा सकता है। अब देखिए भक्तों, राजपुरोहित जी विद्वान तो बहुत थे किंतु महाराज भगवान की भक्ति एक इतनी ऊंची चीज है जहाँ विद्वान भी नहीं पहुँचता है। राजपुरोहित जी अपने विद्वान होने के झोंक में ये कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र के द्वारा मूर्ति को अचल कर दिया गया। ये उनको नहीं भक्ति की बात समझ में आ रही कि ठाकुर जी नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो तो यही कह रहे हैं कि कोई बलि दी जाए तब ये जादू टोना का निवारण हो सकता है। किंतु भक्तों, महारानी तो महान भक्त थी, उन्होंने जब सुना जादू टोना और बलि की बात तो उनके अंदर जो सुप्त वात्सल्य भाव था वो जग गया और उनके मुख से एक चीत्कार निकली, हाय। आगे हाथ किया तुरंत माता ने, बोली नहीं 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 पुरोहित जी, ये नहीं हो सकता है। और महाराज घबरा करके वो गिर पड़ी। लोग मूर्ति की चिंता छोड़कर अब रानी की चिंता करने लगे, रानी की सेवा में लगे कि इनको क्या हो गया, कैसे गिर गई। महल में हलचल मच गई। बात रानी के महल से बाहर मंत्री सेना और प्रजा तक पहुंच गई।
आखिर मूर्ति के अचल हो जाने का कारण क्या है, ये लोग कहने लगे। सभी की जबान पर एक ही प्रश्न था। राजपुरोहित के प्रस्ताव पर कोई सहमत नहीं था। भक्त लोग कहते थे, नहीं, किसी बल की जरूरत नहीं, आखिर जादू टोना से मूर्ति को स्थिर कैसे किया जा सकता है। बलि देने से कार्य सिद्ध न हुआ तो वैष्णव राजा रानी का कोप भाजन बनना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा वैष्णव विरोधी कार्य नहीं करना, कोई बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। भक्त लोग तो ये कह रहे थे और राजपुरोहित जी कह रहे थे, बिना बलि चढ़ाए जादू टोना नहीं हटेगा। महाराज सेविकाएं महारानी को उठा करके शयन कक्ष में ले गईं। राजवैद्य ने आकर देखा, हृदय और नाड़ी की गति सामान्य थी। उन्होंने कहा, रानी को कुछ घबराहट है, बस कोई बीमारी नहीं, उन्हें एकांत की आवश्यकता है, कुछ क्षणों में सामान्य हो जाएंगे। सभी लोग कक्ष से बाहर चले गए, मात्र एक दासी पंखा झलती रही। और भक्तों, इधर महाराज किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, वे भी बिना कुछ कहे कक्ष में चले गए। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान क्यों नहीं उठ रहे। एकांत पाकर उन्होंने अंतर मन में प्रभु से प्रार्थना की, हे रघुनंदन, हे सरकार, आपकी शरण में हूँ मैं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, मुझसे अवश्य कोई बड़ा अपराध हुआ है। आप तो कभी अपने विमुख पर भी क्रोध नहीं करते, फिर ये आप कैसी लीला कर रहे हैं? आप हमें अपना जो मेरा अपराध है वो तो बता दीजिए और उसका निवारण भी कर दीजिए। आप नहीं उठे तो लोगों का हमारी भक्ति पर से विश्वास भी उठ जाएगा और हमें बड़ा अपमान सहन करना पड़ेगा। राजा और कुछ न कह करके रोने लगे। बस राजा की प्रार्थना स्वीकार हो गई और महारानी के सामने एक प्रकाश युक्त वेग से शिशु राम मूर्छावस्था में ही प्रकट हो गए। महारानी मूर्छावस्था में थी ना, और भगवान प्रकट हो गए। वे अपने नन्हे हाथों से माता का सिर स्पर्श करते हुए तोतली वाणी में बोल उठे, मैया उठो, मैया उठो, मुझे बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ ना। रानी मानो प्रगाढ़ निद्रा से जाग पड़ी और प्रभु फिर से बोले, मैया, अपने आंगन में इतने लोग क्यों खड़े हैं, मुझे उठाने में क्यों लगे हैं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो ना मैया, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा और यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगा। मैया, तू भी तो सरयू जी ने मुझे वचन दी थी कि मुझे जहाँ रख दोगी वहाँ से नहीं हटूँगा, फिर ये सब मुझे यहाँ से भगाने के लिए पीछे क्यों पड़े, मैं आपके पास आपके महल में ही रहूँगा, मैं आपके महल में ही रहूँगा, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आप ही के साथ रहूँगा। फिर बाल भाव में रोते हुए पैर पटक पटक करके बोले, प्रभु, मैया, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। और ऐसा कह करके जो बाल राम जी प्रकट होकर रो रहे थे, फिर वो मूर्ति की ओर भागे और शीघ्रता से उठ करके माता पीछे भागी। पर बस एक दिव्य प्रकाश को मूर्ति में लय होते ही देख सकी, अर्थात लाला अपने श्री विग्रह में विलीन हो गया। माता फिर जोर से चीखी, लाला, लाला, पर इस बार वो अचेत नहीं हुई, बस खड़ी रहकर उस भीड़ को देखती रही जो उनकी चीख पुकार सुन करके स्तब्ध हो गई थी भीड़। रानी की पुकार इतनी कारुणिक और तेज थी कि महाराज भी उसे सुन करके कक्ष से बाहर आ गए। रानी पर पुत्र भाव का आवेश था, वे राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज, मेरा लल्ला यहाँ से नहीं जाएगा, आप उसे मुझसे पृथक नहीं कर सकते, क्या मैंने अवधवास में आपको लाला की तीन शर्तें नहीं बताई थी, उनमें से एक थी, जहाँ मुझे ले जाकर रखोगे मैं वहाँ से नहीं हटूँगा, लाला की एक शर्त थी, क्या आप वो बात भूल गए? रानी गणेश कुंवर माता ने राजा से कहा, आप सबने
उन्हें हटाने में अपना बल लगाकर उनका और उनकी शर्त का अपमान किया है। अब तो किसी ने भी मेरे लाला को हाथ लगाया तो मैं बेतवा नदी में कूद कर अपने प्राण दे दूंगी, कोई मेरे लाला को छूना नहीं। अब महाराज को अब सब याद आ गया और वो अपनी त्रुटि पर पछताने लगे। उन्होंने दौड़कर रानी को हृदय से लगाते हुए कहा, गणेश कुमारी तुम धन्य हो, तुम्हें पाकर संपूर्ण ओरछा धन्य हो गया। अब तुम्हारे राम जी वहीं रहेंगे जहाँ तुम हो। अब नवीन मंदिर में ये नहीं जाएंगे, किसी से भी नहीं उठ सकते, किसी तरह नहीं उठेंगे, और अब हम लोग ये प्रयास नहीं करेंगे। हम नए मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करेंगे और वो चतुर्भुज मंदिर कहलाएगा। आप अपने प्रभु को अपने साथ रखिए, उनकी सेवा करिए। हम अपने कृत्य का प्रायश्चित करेंगे जो हमने जबरदस्ती किया उठाने की, और वो उठे नहीं, गलती हमारी है। और प्रभु की शर्त ये भंग नहीं होने पाए, इसके लिए हम लोग आपस में थोड़ा विचार भी करेंगे कि हमसे गलती हुई है। महाराज ने नीचे लेट करके भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया और शीघ्र ही महल के बाहर निकल गए। थोड़ी देर तो लेटे रहे चरणों में। आओ हम लोग यही ध्यान रखें कि महाराज मधुकर शाह जी भगवान के सम्मुख अपने को अपराधी समझकर लेटे पड़े हैं कि भगवान महल से महारानी के महल से जाना नहीं चाहते, और हमने उनको बाहर ले जाने की कोशिश की, हमसे गलती हुई। इस भाव से राजा चरणों में पड़े हुए हैं। अभी तो उनको चरणों में हम रहने देते हैं, कल उनको लेकर बाहर चलेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। उनके चरणों में महारानी, महाराजा और भगवान के चरणों में बारम्बार प्रणाम। राधे राधे।